नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। युवती के अपहरण का प्रयास, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दुकान पर सामान लेने जा रही थी युवती। खरगुदे के वाड़ी कनाज मंडी के पास वाली कॉलोनी में रहने वाली युवती ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसके अपहरण का प्रयास किया गया। युवती ने आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। युवती ने पुलिस को बताया कि वह दुकान पर सामान लेने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह चाइल्ड मुस्कान स्कूल के पास पहुंची तो एक गाड़ी वहां आई और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे, लेकिन उसने एक आरोपी के हाथ पैर काटकर वहां से भागने में सफलता हासिल की, जिसके बाद उसने अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताई। युवती ने जबरन गाड़ी में बैठने के आरोप में खरगुदे की चार लोगों पर इल्जाम लगाया है, जिसमें सलीम, मोमीन, तारीफ व उबैद हैं। पुलिस ने सभी चारों पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देवर पर घर में घुसकर पिटाई का आरोप, पुलिस कर रही जांच। झंझोली गांव की रहने वाली एक महिला ने सैदपुर पुलिस चौकी में शिकायत दी है कि उसका देवर जबरन उसके घर में घुस गया और उसके साथ मारपीट करने लगा, जिसके बाद वह नीचे गिर गई। महिला ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान उसके पैसे मोबाइल भी चोरी हो गए। घायल को खरगुदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से उसे रोहतक विजय रेफर किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मेहर सिंह के खेतों से ट्रांसफर चोरी, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। बिजली निगम पुलिस को शिकायत दी गई है कि मटिंडू रोड पर मेहर सिंह के खेतों में लगा हुआ ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। एरिया जेई ने मौके पर चेक किया तो ट्रांसफार्मर नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जुआ खेलते 3 गिरफ्तार, रकम भी हुई बरामद। फिरोजपुर बांगर गांव में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति यहां पर जुआ खेल रहे हैं। जब पुलिस टीम फिरोजपुर में पानी की टंकी के पास पहुंची तो दीवार के साथ उसके कान लगाकर सुना तो उन लड़कों में से एक कह रहा था, मेरी 100 की चाल। दूसरे ने कहा कि उसकी 200 की चाल। तीसरे ने कहा कि उसकी 300 की चाल लगाऊं। पुलिस ने तीनों लड़कों को काबू कर लिया, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व कुल करी 1660 रुपये की राशि भी बरामद की गई। आरोपी ने अपना नाम विकास फिरोजपुर बांगर, दूसरे लड़के ने अपना नाम गोपालपुर, तीसरे लड़के ने अपना नाम सागर बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। होटल पर खाना लेने गए युवक से पैसे व गाड़ी छीनी, बाद में किया रोड से हमला। पुलिस ने दर्ज करवाई शिकायत। खरगुदा के वार्ड 10 के रहने वाले अनिल ने 4 युवकों पर आरोप लगाया है कि जब वह होटल पर खाना खाने के लिए गया तो वहां पर उसकी गाड़ी छीनी और पैसे भी छीने। पुलिस को बताने पर देख लेने की धमकी दी, बाद में घर बुलाकर लोहे की रोड से हमला किया। पुलिस ने अनिल की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अनिल का कहना है कि उसकी पत्नी बीमार थी, जिसके कारण वह होटल पर खाना लेने के लिए चला गया। वहां पर 4 लड़के बैठे थे, जिनमें से एक ने पूछा कि वह मयंक को जानता है तो उसने हाँ कर दी, जिसके बाद वे बोली कि मयंक अभी होटल पर आ रहा है। कुछ देर बाद मयंक गाड़ी लेकर वहां पर आ गया, तभी एक युवक ने उसके हाथों से चाबी ले ली और कहने लगा कि होटल का बिल पे करें। मयंक की गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़े। सरकारी अस्पताल के पास जाकर मेरे 500 रुपए ले लिए। आरोपी मुझे दिल्ली वाली नहर के पास वाली गाड़ी में लेकर गए और पटरी पर गाड़ी रोक दी। तभी वहीं पर उन्होंने एक फरसा निकाला और कहने लगे कि जो कुछ उसके पास है निकाल ले। उसने गाड़ी के कागज व पैसे आरोपी को सौंप दिए, करीब 7000 रुपए छीन लिए। डर के मारे पुलिस को शिकायत नहीं दी, लेकिन 10 अगस्त को वे नाई की दुकान पर सेविंग कराने के लिए गया तो वहां पर एक लड़का आकर बोला कि उसका पापा बुला रहा है। जब वह उनके घर गया तो उसने कहा कि उसकी दरखास्त क्यों दी। इतना कहकर उसने लोहे की रोड से हमला कर दिया। अनिल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 148, 149, 308, 365, 389 बी, 506 के तहत मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पति पर ब्लेड से हमला करने का आरोप, पुलिस कर रही जांच। थाना खुद के रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने ब्लेड से जानलेवा हमला किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। युवती ने बताया कि वह सोनीपत में नौकरी करती है। जब वह शाम को घर आई तो उसके पति ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और एक ब्लेड निकालकर गर्दन पर वार किए, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। पड़ोस की एक महिला ने उसे खरगुदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पेशी पर आए युवक को फोन पर मिली धमकी। आनंदपुर छरोड गांव के आशीष ने पुलिस को शिकायत दी है कि वह एक मामले में खरगुदा न्यायालय में आया हुआ था। उसे एक व्यक्ति का फोन आया और फोन पर पूछा गया कि क्या वह आशीष बोल रहा है। आशीष ने कहा कि जी, वह आशीष ही बोल रहा है। आरोपी कहने लगे 2 या 3 दिन में उसे जान से मार देगा। आशीष ने कहा कि वर्ष 2021 में दर्ज हुए एक मामले में गवाह है, जिसकी अगली तारीख 18 अक्टूबर 2022 लगी हुई है। आशीष ने पुलिस से अपील की है कि उसकी सुरक्षा की जाए, आरोपी पर कानूनी कार्यवाही की जाए। स्वर्गीय श्री हंसराज रोहिला की आदमी शहीद भगत युवा कमेटी
सैदपुर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 15 अगस्त 2022 को, समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक, नजदीक तिरंगा झंडा शिव मंदिर पुलिस चौकी, गांव सैदपुर सोनीपत। फरमाना राजकीय स्कूल फरमाना से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए एनसीसी कैडेट स्कूल छात्रों द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। एनसीसी अधिकारी नरेंद्र दहिया हर घर तिरंगा यात्रा को पूर्व सैनिक सुबेदार राजवीर दहिया वर्तमान में हिंदी प्रवक्ता ने झंडी दिखाकर विधिवत तौर से आरंभ किया। यात्रा को आम जनमानस द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया। जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया और सैकड़ों ग्रामीण अपने घरों से बाहर आकर भारत माता की जयकारे लगा रहे थे। यात्रा को फरमाना बस स्टैंड से बाजार की ओर से होते हुए शहीद पार्क तक देशभक्ति गीत एवं वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के साथ ले जाया गया। यात्रा पीएनबी चौक दादा शोभनाथ मंदिर वाली गली से होते हुए स्कूल पहुंची। स्कूल में राष्ट्रगान के साथ यात्रा संपन्न की गई। यात्रा के दौरान एनसीसी कैडेट्स और छात्रों द्वारा तिरंगा फहराकर आम जनमानस में जोश भर गया। इस अवसर पर अशोक घनघस, सुनील वर्मा, विनोद नरवाल, महावीर दत्त, सुनील गहलोत, जितिन तनेजा, संजय मलिक, देव प्रकाश, पूनम सरोहा, नीलम ज्योति, पूनम राणा आदि स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। एपी गर्ग के विद्यार्थियों ने राखी प्रतियोगिता में दिखाया हुनर। सापला मार्ग पर स्थित एपी गर्ग पब्लिक स्कूल में राखी बनाओ प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। इको फ्रेंडली राखी बनाई गई जिसमें बच्चों ने दाल, चावल, मूली, माचिस की तिल्ली और पेपर का प्रयोग किया। बच्चों ने रेशम के धागे और मोतियों का भी प्रयोग किया। इन सभी राखियों में स्वतंत्रता दिवस का रंग भी दिखाया गया। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों से त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रबंधक प्रवीण कुमार ने सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एपी गर्ग पब्लिक स्कूल खरखौदा सोनीपत ने राखी की प्रतियोगिता रखी। वहां के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रतियोगिता में भाग लिया। बच्चों ने इको फ्रेंडली राखियां बनाई जिसमें बच्चों ने दाल, चावल, मूली, तीलियां, माचिस की तीली, पेपर फोल्डिंग का प्रयोग किया। मोतियों से राखी की सज्जा की गई। रेशम के धागों का बच्चों ने प्रयोग किया। और तो और स्वतंत्रता दिवस की झलक भी राखियों में दिखाई गई। प्रबंधक प्रवीण कुमार ने और प्राचार्य अंजू अग्रवाल ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को दी। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को हुई सुनवाई। हरियाणा सरकार ने दाखिल नहीं किया जवाब। जवाब देने के लिए सरकार ने मांगा और समय। एडवोकेट दीप करण दलाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच कर रही सुनवाई। पंचायत चुनाव लटकने के बने आसार। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखौदा, अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। और उसके बाद में जो है शमशान घाट का जो एक हॉल बनवाया है कि आने वाले समय में बारिश के टाइम में, दाह संस्कार के टाइम जाते तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो है वो हॉल पूरा कार्य होने वाला है। प्रकृति पे मतलब 5% बकाया है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।